अगर तुम कुछ पढ़ा What is up guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक और नए गेमिंग लैपटॉप के बारे में जो कि अनमोल भैया ने अभी खरीदा है. चीज की वीडियो शायद कल ही आई थी उनके चैनल पे. तो आज देखेंगे उस लैपटॉप को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या तुम्हें वो लैपटॉप खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस लेट्स सी उन्होंने कौन सा गेमिंग लैपटॉप खरीदा. तो उससे पहले सबसे पहले तो यार तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार. देखो भाई 94 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास है. और प्लीज़ अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो. मैं चाहता हूँ कि यार 1 तारीख से पहले पहले हम 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़. तो जल्दी चलते हैं अनमोल जसवाल की वीडियो देखते हैं और उनकी गेमिंग लैपटॉप वो तुम्हें क्यों बाय नहीं करना चाहिए वो आज मैं तुम्हें इसी वीडियो पे बताऊंगा. क्योंकि यार वो गेमिंग लैपटॉप तुम्हारे किसी काम का नहीं है. 99% ऑफ द लोग गेमिंग लैपटॉप नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसकी प्राइस और बैंग फॉर द बक इज एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी. ओके चेक करते हर बार यही ऐड आएगा सारे जहां उनकी नजर हो. अब यार ताइवान ने ना स्ट्रॉन्ग हेरिटेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में डेवलप किया हुआ है वो भी पिछले 3 डिकेड से. ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और सब्सक्राइबर्स हो चुके और हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा ताइवान एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है. वो ताइवान एक्सीलेंस मतलब की एवरीडे एक्सीलेंस. मैं चाहता हूं कि यार सब कुछ नाम क्यों सब्सक्राइब सब कुछ नाम क्यों इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो द प्रोडक्ट हाउ डस इट चलते हैं वर्क साल की वीडियो देखते हैं और फीड अकॉर्डिंग टू यू नीड एंड व्हाट इज द बैंक फॉर द बक रेशियो ऑफ इट दैट मैटर्स. समझे दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. अब फाइनली एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जिसको ये ताइवान एक्सीलेंस का अवार्ड मिला हुआ है. 100% गारंटी एक रिव्यू एक रिव्यू यूनिट है जो कि अनमोल भैया को मिला है क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो आरओजी का लैपटॉप खरीदा था वो भी रिव्यू यूनिट ही था. क्योंकि आजकल ये पीसी वाला कुछ ज़्यादा ही करे तो ये एक टेक यूट्यूबर बन चुके हैं मेरे हिसाब से. तो इसलिए कंपनी से इनको अप्रोच करी रिव्यू यूनिट के लिए. तो यार इन्होंने जो पहले जो लैपटॉप खरीदा था ना वो काफ़ी अच्छा है. दोनों के स्पेक्स लगभग सेम है पर प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है. पिछला वाला जो लैपटॉप था वो मैं रिकमेंड भी करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा लैपटॉप खरीदा था पर वो लेट खरीदा था. समझ रहे हो वो इस 2020 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था लैपटॉप या मई 2020 में लॉन्च हुआ था और इन्होंने एंड में खरीदा. मैं बताऊंगा क्यों इसका डिसएडवांटेज है. भाई MSI मेरे पास रिव्यू के लिए आया हुआ है मॉडल का था रिव्यू यूनिट की बात करें तो ये है MSI का GE66 रेडर. भाई ये जो लैपटॉप है ना ये Amazon पे 2,60,000 का मिलता है. मजाक नहीं करो तुम यकीन नहीं होता देखने 2,60,000 का. पर कभी झूठ नहीं बोलते भैया. जियो 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 का क्या बे यह लैपटॉप है इंटेल i7 16 GB रैम का 240Hz और ये भाई बाइंग ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे. ये भाई 2,60,000 का. मैं मजाक तो करते हैं नहीं हम अपन रियलिटी बताते हैं. इससे बड़ी बैटरी तुम लगा नहीं सकते लैपटॉप में क्योंकि इसके बाद अगर तुम इससे बड़ी बैटरी लगाओगे तो यू कॉन्ट ट्रैवल. 300Hz की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले काफी सही बात है. कि ये लैपटॉप अगर आप इंडिया में परचेज करते हो तो ये 2 साल की वारंटी के साथ आएगा जिसमें से 1 साल की वारंटी तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों की है एंड जो सेकंड ईयर की वारंटी होगी वो खाली डोमेस्टिक के लिए होगी. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है इंटेल का i7 10th जनरेशन प्रोसेसर. साथ ही साथ जो रैम
मैंने तुम्हें बताई दिया ऑलरेडी टेंथ, ये कौन सा प्रोसेसर है इसमें, टेंथ 750H जो कि इंटेल का प्रोसेसर है, i7। रैम की बात करें तो भाई 16GB की दो स्टिक मिल जाएगी, यानी टोटल 32GB की DDR4 रैम है। 32GB तो भाई गेमिंग के लिए मोर देन इनफ है, कोई भी गेम जो है वो काफी सारे इफेक्ट्स है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल 300Hz की डिस्प्ले, भाई 300Hz क्या ही बोलूं इसे। इसके अलावा आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड ड्रैगन सेंटर सॉफ्टवेयर बूटिंग प्रोसेस हो गए एक सकते भी बढ़िया है, गेमिंग लैपटॉप क्रेविंग मिल जाती है। बाकी यार आपको पता ही होगा एक गेमिंग लैपटॉप में कूलिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हग देते हैं लैपटॉप कूलिंग रोल प्ले करती है, और MSI एक तगड़ा जी जिसकी वजह से आपको बोर्ड मिल जाता है, मिल जाते हैं मेमोरी कार्ड जिसमें बोर्ड मिल जाता है फ्रंट साइड लैपटॉप को। इतना ध्यान नहीं देते हैं बट भाई MSI ने इस चीज का भी आपके लिए ध्यान रखा हुआ है। इस लैपटॉप में आपको मिल जाएंगे भाई ड्यू वेव स्पीकर डिजाइन, जो साउंड आउटपुट है भाई बहुत तगड़ा है, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो कहोगे क्या गजब की साउंड क्वालिटी है भाई साहब। अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं, ताइवान जो है ना उसको भाई नंबर वन माना जाता है जब जब टेक प्रोडक्ट्स की बात होती है। इसका जो बाय लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आपको मैं एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूं जिसका नाम है buytaiwanexcellence.se। तो भैया इस वेबसाइट ने इस वीडियो का स्पॉन्सर किया, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ पे थे, तो इस वेबसाइट ने इस वीडियो का स्पॉन्सर किया वही, अगर इनकी तुम पिछले लैपटॉप वाली जो वीडियो देखोगे वो मैं फिर भी रिकमेंड कर सकता हूँ, पर ये लैपटॉप तो कतई टट्टी है, मतलब कतई टट्टी है, क्योंकि तुम देखोगे दोनों की स्पेसिफिकेशन एकदम सिमिलर है, और ASUS ROG 6 नाम ही काफ़ी, पहली बात तो ये क्योंकि ब्रांड वैल्यू ASUS की बहुत जोरदार है, तो सीधी सी बात है, ठीक है। और वही बात की जाए कि जो कुछ स्पेशल फीचर्स थे तुम खुद ही देख सकते हो यार, स्पेसिफिकेशन सेम है और 187 फ्रेम्स है तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम खुद ही देख सकते हो कि भाई जो 300Hz का जो डिस्प्ले पैनल है ना वो कुछ काम का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव में काम आएगा या फिर फोर्टनाइट में काम आ सकता है, क्योंकि इन मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल्स RTX 2080 सुपर मैक्स क्यूबिक की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें हर गेम 1080p हाई ग्राफिक्स 300 फ्रेम्स पर सेकेंड पर खिला सके। ये मैक्स क्यूब की बात करो भाई, इतनी औकात तो उसकी फाउंडर्स एडिशन की भी नहीं थी, जितनी इस लैपटॉप में जितने हर्ट्ज की स्क्रीन दी है तो कोई सेंस नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा ये तुम्हें 144 हर्ट्ज की गेमिंग करा सकता है इन एवरी गेम एट 1080p हाई सेटिंग्स पे, क्योंकि यार उससे बड़ा डिस्प्ले, उससे बड़े रेजोल्यूशन पे जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप का डिस्प्ले है नहीं, ठीक है, इतने बड़े रेजोल्यूशन का। तो डज इट मेक सेंस टू बाय दिस शिट लैपटॉप? हेल नो, इससे अच्छा तुम ROG का ले लो। और अगर तुम कुछ बड़ा, हाँ अगर तुम कुछ बड़ा लैपटॉप वगैरह कुछ सब हैवी 1,00,000 से ऊपर वाली चीज़ खरीदने का प्लान बना रहे हो तो रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि तुम अगर RTX सीरीज के लैपटॉप खरीदने का विचार बना रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि NVIDIA का इवेंट होने वाला है कब, जनवरी में, और जनवरी में हो सकता है NVIDIA लॉन्च कर दे क्या अपने RTX 3000 सीरीज के मोबाइल GPU। तो जैसे वो लॉन्च होंगे तो यार RTX 2000 सीरीज की प्राइस सीधा ड्रॉप होगी, तो फिर तुम दुख पाओगे, क्योंकि जैसे तुम अपने लैपटॉप की प्राइस देखोगे इट विल बी अराउंड 30,000 चीपर, 20,000 चीपर, समझे। और तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी सेम बजट के अंदर अगर तुम थोड़े दिन रुकते हो, क्योंकि जनवरी में ही इवेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी लैपटॉप लेने का टाइम बहुत ख़राब है। ये जो भैया ने ASUS ROG Zephyrus M15 लैपटॉप लिया ये भी बहुत पुराना हो चुका है भैया, क्योंकि इसमें 10 750H i7, ठीक है, और 11th जन के इंटेल के CPUs आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, और जनवरी Q1 2021 तक तो पहाड़ आ जाएगी उनकी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 750H ख़राब CPU है, पर अगर तुम 2-4 हफ्ते और रुक जाओ ना तो तुम्हें 11 750H मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली 10 750H से अच्छा ही होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ वेट करो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टू बाय अ लैपटॉप राइट नाउ, मजाक नहीं कर रहा भाई, ये सही में फर्स्ट टाइम है।
तो बस यार इतना ही था आज की वीडियो के लिए भाई। मैं किसी को हेट नहीं फैला रहा भाई, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाई उनके पास रिव्यू यूनिट आएंगे, कंपनी को माल बेचना तो वो यूट्यूबर्स उनकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि एट दी एंड पैसा मिलता है, देखो सीधी सी बात है। पर मैं तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ ठीक है, कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या है। बस एट दी एंड ऑफ द डे भन्या जी टेक्निकल कोर्स को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, पहले ही बता दूँ तुम्हें, पर यार सब्सक्राइब कर दो यार, मैं तुम्हें ऐसे ही अच्छा कॉन्टेंट लाता रहता हूँ, तुम देख ही सकते हो भाई। 94 सब्सक्राइबर्स ही है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करा दो यार प्लीज़, मजाक नहीं करा मैं प्लीज़ भाई। और ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो था जो कि हम यूट्यूबर्स के पीसी बिल्ड को रिव्यू करते हैं भाई, पीसी बिल्ड और मतलब टेक को रिव्यू करते हैं। तो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़, 100 सब्सक्राइबर्स करा दो यार, बहुत नज़दीक है प्लीज़ यार।